नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। इस बार श्रावण माह की शुरुआत तो शुभ योग में हो रही है। श्रावण माह के पहले ही दिन विष्कुंभ नामक योग और प्रीति योग बन रहा है। अगर हम ज्योतिष की माने तो इन योगों में शिव की पूजा की जाए तो दोगुना फल मिलता है। वैसे श्रावण माह के सोमवार पर भी विशिष्ट योग बनेंगे, चारों ही सोमवार पर बनेंगे और श्रावण सोमवार में पूजा और व्रत का महत्व भी है। लेकिन पूरे महीने शिव जी को आप क्या अर्पित करें और क्या ना अर्पित करें ताकि आपको पूजा का पूरा फल मिले, तो पहले सब समझते हैं कि शिव की पूजा करेंगे कैसे। देखिए, सूर्योदय से पहले स्नान वगैरह करके निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सफ़ेद रंग चूँकि शिव को प्रिय है तो सफ़ेद रंग के कपड़े या गेरुआ वस्त्र धारण करें। फिर आप भगवान शिव की आराधना करें। 15 अगस्त को है। अब शिव सत्य है, शिव समर्पण है, त्याग है, परिभाषित होने से परे हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह सत्य और शक्ति एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, जिस तरह आत्मा और मन के बगैर शरीर जागृत नहीं हो सकता, उसी प्रकार शिव और पार्वती जी एक दूसरे के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती। तो श्रावण माह एक ऐसा अवसर है जब आप अपने अंतर्निहित सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा के रूप में विद्यमान शक्ति को एकाकर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग पर क्या अर्पित करके आप किस मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप दही अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियाँ, हर्ष, उल्लास की प्राप्ति होती है, यानी कि आपका शुक्र बेहतर होता है और भौतिक सुख साधन आपके जीवन में बढ़ जाता है। अगर आप शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं तो आपका तेज बढ़ता है, आपके हर जगह आपका सम्मान बढ़ता है और संतान की प्राप्ति होती है, संतान तरक्की करता है। अगर आप शहद अर्पित करें तो आपकी सौंदर्य, आपका खूबसूरती बढ़ता है, आपकी जो वाणी में मिठास है वो बनी रहती है, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे तो शिवलिंग पर शक्कर या फिर गुड़ की डली अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कमी कभी नहीं होती, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो। शिवलिंग पर अगर श्रावण माह में आप इत्र अर्पित करते हैं तो धर्म की प्राप्ति होती है। इत्र अर्पित करने से जीवन में उमंग बढ़ता है, खुशियाँ आती है और अगर सुगंधित तेल अर्पित करें तो धन धान्य की वृद्धि होती है, भौतिक सुख बढ़ते हैं। चंदन अर्पित करने से समाज में यश, मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में सबसे ज़्यादा भांग, धतूरा, दूध, चंदन और भस्म अर्पित करने का विधान है। भगवान शिव को बैरागी भी कहा जाता है और शिवलिंग में आम जीवन में जो इस्तेमाल चीज़ें होती है ना, उसको नहीं चढ़ाया जाता। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। शंख से भूल कर भी शिव जी को जल मत अर्पित कीजिए। भगवान शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो कि भगवान श्री हरि का भक्त था, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख इस्तेमाल नहीं होता है। चावल टूटा फूटा हुआ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें शिव की पूजा में। पहले से आप चुनकर रख लें, एकदम साबुत होना चाहिए और शास्त्रों में लिखा है टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है। तुलसी के पत्ते, शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते क्योंकि भगवान विष्णु ने तुलसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हल्दी स्त्रीलिंग है और शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं अर्पित की जाती क्योंकि हल्दी मांगलिक चीज़ों में यूज होता है। सिंदूर, सिंदूर को भी कुमकुम सिंदूर जो सौभाग्य का प्रतीक है और शिव जी बैरागी हैं इसीलिए शिव जी को कुमकुम अर्पित नहीं किए जाते। नारियल का पानी, देखिए नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं लेकिन फोड़कर पानी अर्पित नहीं करना है और ना ही अगर आप व्रत रखते हैं तो आप जो शिवलिंग पर चीज़ें चढ़ाई हैं उसको तो नहीं ही खाना है। और अगर राहु केतु परेशान करे तो शिवलिंग पर आप 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से राहु केतु की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। बाद में इस लौंग को उठाकर अगर आप घर में पूजा करते हैं तो पास के किसी मंदिर में रखें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें। शिवलिंग पर अगर आप चंदन अर्पित करें तो समाज में यश, मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। चंदन अर्पित करने से मस्तक ठंडा रहता है, आपका चंद्रमा बेहतर होता है और अगर आप शिवलिंग पर
भांग अर्पित करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। भांग के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं शिवलिंग पर, बुराइयां समाप्त होती है। अगर आप आंवला अर्पित करें या आंवले का रस अर्पित करें तो जीवन में खुशियां आती है, आप दीर्घायु होते हैं। अगर केसर अर्पित किया जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, विवाह में आने वाली अड़चने समाप्त होती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। गन्ने का रस अर्पित करने से शिवलिंग पर आपके जीवन में मिठास बढ़ती है, सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भी बना रहता है। गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। एक मुट्ठी गेहूं अर्पित किया जा सकता है शिवलिंग पर। अगर आप चावल अर्पित करते हैं, एक भी दाना अर्पित कर दें तो जीवन में धन सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होगी। अगर काला तिल अर्पित करें तो समस्त पापों का, बीमारियों का नाश होता है। शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें जो कि शिव जी को सबसे प्रिय है तो सभी संकट दूर होते हैं। बेलपत्र 5 जगह अर्पित किए जाते हैं, गणेश जी को, शिव जी को, जलाधारी पर और नंदी महाराज को और शिव जी के माथे पर। अगर आप समी के पत्ते अर्पित करते हैं तो जीवन में बस ये समझ लें कि स्वर्ण दान के इतना पुण्य मिलता है और किसी चीज़ की कभी कमी रहती ही नहीं। इसीलिए जहाँ तक संभव हो आप जो समी का पुष्प होता है ना, 11 समी के पुष्प अगर शिवलिंग पर आप, जैसे कि 4 सोमवार है, किसी भी सोमवार के दिन चढ़ा देते हैं तो उसके लिए आपको बस समी के पौधे तक ही जाना है। हालांकि ये मार्केट में खरीद के नहीं मिलता, आपको किसी पौधे को देख कर रखना है और वहीं से तोड़कर अर्पित करना है। समी का पुष्प अर्पित करने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। वैसे पत्ते से भी आप काम चला सकते हैं। और जौ अर्पित करने से तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जौ अर्पित करने से दुर्वा घास अर्पित करने से दीर्घायु होते हैं, आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहता है और आपका जो निगेटिव पक्ष है यानी कि नकारात्मक चीज़ें हैं वो भी समाप्त हो जाती है। वैसे तो अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितृलोक संतुष्ट होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। कमल का पुष्प अर्पित करने से जीवन में धन मान सम्मान ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता है, क्योंकि कमल का पुष्प श्री हरि को भी पसंद है और शिव जी को भी, तो सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। हरसिंगार का पुष्प भी अर्पित करने से आपका शुक्र बेहतर होता है, क्योंकि यह सुगंधित पुष्प है और ऐश्वर्य बढ़ता है। अगर आप चमेली के पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि दोनों ही बढ़ता चला जाता है। तो शिव जी पर अगर आप उनके सबसे पसंदीदा धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल अर्पित करें तो सुयोग्य संतान प्राप्त होता है जो कुल का नाम रोशन करता है। तो आपको भी अगर धतूरे का पुष्प या फिर फल मिल जाए तो शिव जी को जरूर अर्पित करें। अर्पित करने से मनचाहे संतान की प्राप्ति भी होती है। आंकड़े का पुष्प से अगर उनका श्रृंगार करें तो जीवन के सभी सुख मिलते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफ़ेद या बैगनी जो भी आंकड़ा मिल जाए उसी से शिव जी को मनाइए। अलसी का पुष्प अगर शिव जी की पूजा करें तो सभी देवताओं का आप प्रिय हो जाते हैं, यानी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। अगर आप अपराजिता का पुष्प अर्पित करते हैं तो शत्रु विरोधी शांत रहते हैं। और इसके साथ ही अगर आप बेले के पुष्प से उन्हें पूजते हैं तो मनचाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। कनेर के पुष्प अर्पित करने से जीवन में खुशियाँ आती है और शत्रु विरोधी शांत रहते हैं। मोर पंख अर्पित करने से जो श्री कृष्ण के माथे पर विराजते हैं तो अगर शिव जी को अर्पित किया जाए तो शत्रु विरोधी भी शांत रहते हैं और आपका सुख बढ़ता है। केला अर्पित किया जाए तो संतान का सुख मिलता है। तो शिव जी को अक्सर ही आप जल और बिलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएँ जो अर्पित नहीं करना चाहिए जैसे कि सिंदूर। इसके साथ ही शिवलिंग पर आप संघ से जल अर्पित नहीं कर सकते, तुलसी का पत्ता नहीं अर्पित कर सकते, टूटा हुआ चावल अर्पित नहीं कर सकते और लाल चंदन और केतकी का पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते। नारियल तो अर्पित कर सकते हैं पर नारियल फोड़कर जल ना चढ़ाएं। इलायची अर्पित करने से सुख बढ़ता है, शुक्र मजबूत होता है। और पान का पत्ता पूजा करने के बाद लास्ट में पान के पत्ते पर एक सिक्का, थोड़ी सी मौली धागा, थोड़ी सी मीठी वस्तु
और लौंग इलायची रखकर दक्षिणा के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रु विरोधी शांत रहते हैं। और अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष हो तो चांदी के या तांबा का नाग नागिन का जोड़ा शिवजी को अर्पित कर दें। खासकर अगर उस दिन नाग पंचमी हो तो आपका काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या है तो जल में 5 पीपल के पत्ते डालकर जो व्यक्ति बीमार है मानसिक या शारीरिक रूप से उनके ऊपर से आप 5 बार वार लें और शिवलिंग पर चढ़ा दें तो उनका स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाती है। अगर हरा मूंग अर्पित करते हैं शिवलिंग पर आपका बुद्ध की समस्या समाप्त होती है, आपकी वाणी का तेज बढ़ता है, आपका बुद्ध बेहतर होता है और हर तरफ आपकी पूछ होती है। अगर आप शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित करते हैं, किसी भी कलर का अर्पित कर सकते हैं, आपका शुक्र बेहतर होता है। अगर कोई वैवाहिक जीवन में कष्ट हो या शुक्र आपका नीच में हो तो वो ठीक हो जाता है, धीरे धीरे खुशियाँ आने लगती है। पंचामृत से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, इससे भी शिव जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चारों दिशाओं से आपकी तरक्की होती है। शाम के वक्त एक शिव जी के मंदिर में दिया जरूर जलाइए, पास के किसी भी मंदिर में, भले ही मंदिर बंद हो पर सीढ़ी पर जलाकर चले आए तो जीवन में अंधेरा कभी नहीं रहेगा। यानी कि पूरे सावन में आप पास के किसी भी मंदिर के सीढ़ी पर या मंदिर में ही जाकर एक दिया जरूर जलाया करें। दिया तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है, आपकी श्रद्धा पर है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।